चलिए एक बार फिर से आपको झज्जर दिए चलेंगे, जहां पर संस्कारम यूनिवर्सिटी का उद्घाटन है, साथ ही साथ अस्पताल और ट्रामा सेंटर की सौगात मिल रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, उद्घाटन का ये कार्यक्रम है और इनके साथ हैं शिक्षा मंत्री, साथ ही साथ ओपी धनखड़ मौजूद हैं और ग्रुप के चेयरमैन भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहाँ आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देश की संस्कृति को सजोए रखे हैं और यहाँ आपको बता दें कि देश की संस्कृति की झलक सांस्कृतिक कार्यक्रम और आज ये बेहद महत्वपूर्ण है झज्जर वासियों के लिए, आसपास के इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि आज मिल रही है शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सौगात। एक तरफ संस्कारम यूनिवर्सिटी का हो रहा शुभारंभ, तो साथ ही साथ संस्कारम अस्पताल और ड्रामा सेंटर भी खुल रखे हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से और नजदीक मिल पाएंगी। संस्कारम यूनिवर्सिटी का उद्घाटन का एक कार्यक्रम है, राज्यपाल पहुंच चुके हैं, पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, अब आप देख रहे हैं उनके स्वागत के बाद अब वो उद्घाटन रखे गए, पत्रकार तस्वीरें आप देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की मिल रखी है सौगात, झज्जर वासियों को एक बड़ी सौगात मिल रखी है। राज्यपाल बस पट्टिका पर से पर्दा हटाएंगे और ये बड़ी सौगात मिल रखी है झज्जर में। एक तो संस्कारम यूनिवर्सिटी खुल रखी है, साथ ही साथ यहाँ पर अस्पताल होगा, ट्रॉमा सेंटर होगा, आप तस्वीरों में देख रखे हैं राज्यपाल को और इनके साथ ही शिक्षा मंत्री के साथ ही साथ ओपी धनखड़ के और ग्रुप के चेयरमैन के। कार्यक्रम बेहद भव्य रखा गया है और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रखा गया है, छात्र छात्राओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां पर मंचन किया जाएगा। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देश की संस्कृति, देश की विरासत को दर्शाएंगे। संस्कारम यूनिवर्सिटी का उद्घाटन का एक कार्यक्रम है, झज्जर से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, झज्जर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, संस्कारम यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं राज्यपाल और ना केवल यूनिवर्सिटी बल्कि साथ ही साथ अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की भी सौगात मिल रही है। तो बड़ी सौगात मिल रखी है और राज्यपाल की तरफ से देखिए उद्घाटन ये किया जा रहा है और उद्घाटन कार्यक्रम में कई तरह के कार्यक्रमों को रखा गया है और बड़ी बात यह है कि इस उद्घाटन कार्यक्रम में गणमान्य अतिथि शिरकत कर रखे हैं। झज्जर से देख रखे हैं आप सीधी तस्वीरें, संस्कारम यूनिवर्सिटी, ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल का ये उद्घाटन किया जा रहा है। तो संस्कारम यूनिवर्सिटी की ये सौगात मिल रखी है, साथ ही साथ देखिए शिक्षा के साथ मिल रखी है स्वास्थ्य की सौगात। एक तरफ संस्कारम यूनिवर्सिटी खुल रखी है तो दूसरी तरफ अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का भी किया जा रहा है उद्घाटन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फीता काट कर देखिए स्वागत इसका उद्घाटन किया के, वहीं आपको बता दें पट्टिका पर से उन्होंने पर्दा हटाया और ये उद्घाटन किया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इनके साथ ही मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री इनके साथ ही ओपी धनखड़ मौजूद हैं और ग्रुप के चेयरमैन ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है, भव्य यह आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर आपको बता दें कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रखा गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा किया और अब आप देख रखी है तस्वीरें, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संस्कारम यूनिवर्सिटी, अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का ये उद्घाटन किया है। इलाके के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की ये बड़ी सौगात मिली है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जहां कार्यक्रम का उद्घाटन किया है तो वहीं शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उद्घाटन का एक कार्यक्रम हुआ है। इलाके के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की ये बड़ी सौगात मिली है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की मिली है ये बड़ी सौगात, तस्वीरें आप देख रखे हैं, उद्घाटन का एक कार्यक्रम हुआ है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उद्घाटन किया है।